उत्तरी इसराइल पर हिजबुल्ला ने अपने हमलों से कहर बरपाया हुआ है। हर एक मिनट हर एक सेकंड में हिजबुल्ला की मिसाइलें, रॉकेट्स और ड्रोन हमले इजरायली सेना को दहला रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि अब इजरायली फौज हिजबुल्ला से आर पार की लड़ाई में जाना चाहती है। और अगर ऐसा होता भी है तो उसमें किसका पलड़ा भारी रहेगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हिजबुल्ला ने अपने भीषण हमलों से IDF को छकाया हुआ है। और अमेरिका भी इस बात को कह चुका है कि हिजबुल्ला के साथ इसराइल को जंग बहुत भारी पड़ेगी। और अब हिजबुल्ला के मौजूदा हमले इजरायली सेना पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि अब हिजबुल्ला ने बेथ हिल्लेल बैरिक्स पर IDF की साहेल बटालियन पर एक बहुत बड़ा हमला किया है। यहाँ पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे, तभी हिजबुल्ला ने उनके ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर दिए। हिजबुल्ला का कहना है कि इस हमले में कई इजरायली सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हो गए हैं। बड़ी बात यह है कि हिजबुल्ला ने इस हमले के अलावा एलेथ शहर, जो उत्तर पश्चिम साफेद में है, यहाँ पर IDF की एक बिल्कुल नई 91 डिवीजन के ऊपर आत्मघाती ड्रोन्स का एक जत्था दाग दिया। हिजबुल्ला का कहना है कि यहाँ पर भी इजरायली सैनिक और उनके अधिकारी इकट्ठा हो रहे थे जिन पर ये हमला किया गया। वहीं दूसरी तरफ इन हमलों को लेकर इजरायली मीडिया का कहना है कि हिजबुल्ला के ये ड्रोन हशहार इलाके में आकर गिरे हैं, जिनमें एक इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। वहीं इस हमले को लेकर इजरायली सेना का कहना है कि इस हमले में उसका एक सैनिक गंभीर रूप से घायल हुआ है। लेकिन हिजबुल्ला के हमलों के बीच इराक की तरफ से भी इजरायल पर एक ड्रोन दागा गया था, जिसे हवा में ही मार गिराया गया है। हालांकि हिजबुल्ला के हमलों को लेकर IDF का कहना है कि उसने इसराइल का दूसरा ड्रोन लोअर गैलीली के आसमान में मार गिराया, जो एक संवेदनशील सैन्य अड्डे के पास मंडरा रहा था। IDF के मुताबिक ये ड्रोन लेबनान से इसराइल में घुसा था और उसे साखनीन इलाके में मार गिराया गया। बड़ी बात यह है कि जिस इलाके में ये ड्रोन घुसा था, वहां पर इसराइल की डिफेंस कंपनी राफेल की एक महत्वपूर्ण फैक्ट्री है, और ऐसा माना जा रहा है कि हिजबुल्ला का टारगेट यही कंपनी थी। और जब हिजबुल्ला का ये ड्रोन इसराइल की सीमा में घुसा तो साखीम के पास हवाई हमलों के सायरन तो बजे ही, साथ ही लेबनान बॉर्डर से लगी सीमा के 25 किलोमीटर के दायरे में भी अलर्ट जारी कर दिया गया। हालांकि इस ड्रोन को इंटरसेप्ट करके उसे हवा में ही मार गिराया गया।